हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लगातार इस समय काम हो रहा है और लगातार नोटिस पर नोटिस जारी हो रहे हैं। पीजीटी के सभी विषयों के रिजल्ट और इंटरव्यू के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो सभी 2300 सब्जेक्ट की फाइनल आंसर की रिजल्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो गया है पीजीटी का, और अब इंतजार है छात्रों को टीजीटी 2021 के रिजल्ट का। आज के तमाम न्यूज़पेपर में खबर आई हुई है टीजीटी पीजीटी संबंधित और टीजीटी 2021 रिजल्ट को लेकर। अभी तक बताया जा रहा था कि इसी सप्ताह के अंत तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे और उम्मीद थी कि 10 अक्टूबर के बाद टीजीटी के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपके रिजल्ट में अब डिले होने जा रहा है। न्यूज़पेपर की खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज का ही है कि प्रवक्ता के 11 विषयों का इंटरव्यू 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है जो चलेगा 30 अक्टूबर तक, और इसी में आगे लिखा हुआ है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं टीजीटी का रिजल्ट इसी माह के अंतिम सप्ताह में होगा घोषित। और यह कहना है नवल किशोर जी का, जो है उप सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। तो दोस्तों, रिजल्ट में डिले हो गया है और रिजल्ट आपका इस सप्ताह नहीं आ रहा है बल्कि इसी महीने के लास्ट वीक में आएगा, यानी 25 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट आएगा। 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही है और नवल किशोर जी ऐसा खुद ही बता रहे हैं। देख पाएंगे उनका बयान। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि टीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट इसी माह के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है और रिजल्ट आने के 15 दिनों के अंदर संस्था आवंटन कर दिया जाएगा और चयनितों को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगी। तो ये पहली बार होगा इतिहास में जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कोई भर्ती एक ही साल के अंदर कंप्लीट होने जा रही है। इसी साल के 15 मार्च को इस भर्ती का विज्ञापन आया था और 31 अक्टूबर तक सभी विषयों का रिजल्ट ये घोषित करने वाले हैं, चाहे पीजीटी के इंटरव्यूज़ का रिजल्ट हो या टीजीटी की परीक्षा का रिजल्ट हो, सभी रिजल्ट अक्टूबर में ही आना है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि इस भर्ती को 31 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के एक प्रेशर की वजह से देख सकते हैं कि चयन बोर्ड ने काफ़ी तेज़ सभी अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। भर्तियां चार चार पांच पांच साल में पूरी होती थी, एक साल के भीतर ही पूरी होने जा रही हैं। और टीजीटी के रिजल्ट में जो डिले हुआ है उसका कारण आप यहां पर देख सकते हैं कि सदस्यों की कमी से इंटरव्यू में विलंब हो रहा है। तो इस समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बहुत सारे काम हो रहे हैं और सदस्यों की भारी कमी है, जिसकी वजह से इंटरव्यू में भी डिले हो रहा है और टीजीटी के रिजल्ट में भी इसी वजह से डिले हो गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जबकि सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और वर्तमान में चयन बोर्ड में सिर्फ 5 ही सदस्य हैं, जिसकी वजह से इंटरव्यू में समय लग रहा है और टीजीटी के रिजल्ट में भी डिले हो रहा है। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट हर हाल में इसी महीने अक्टूबर में ही आना है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।